प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू जो आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर माइग्रेशन मॉडल्स कर रहे थे, तो पहले ही से पहले मैं दो वीडियो लेक्चर ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो पड़े हैं, कभी भी देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपकी चाहिए इसको PDF तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिएगा, तो उस पर आपको ये PDF आपको मिल जाएगी। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93503-44-727। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और ज़्यादा देर न करते हुए हम इस कंटिन्यू वीडियो लेक्चर को शुरुआत है। हमारा टारगेट JRF टारगेट, अब की बार JRF पार, JRF उड़ा दोगे अब की बार बिल्कुल। एक एक टॉपिक जो मॉडल्स पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस वहाँ क्रिएट होते हैं, वो स्टूडेंट आप जब आप पेपर देने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हर बार नहीं आगे, वो नए नहीं आते, वो मॉडल्स के कॉन्सेप्ट को उठा करके वहाँ फिट कर देता है। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या आ गया, क्योंकि मॉडल्स को आपने एक बार पढ़ लिया, ये जरूरी नहीं कि आपने पढ़ लिया कि प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट मॉडल किसने दिया, जीके जीफ ने, बस इतना काम नहीं चलेगा। अब जो UGC का जो एग्जाम पैटर्न बनाने का लेवल है वो बिल्कुल UPSC लेवल का हो चुका है, तो हम उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमें डीप पढ़ना होगा। अगर हम डीप नहीं पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, रट्टा मार रट्टा तोतू बनने का जमाना गया। यहाँ कोई नॉर्मल, ये कोई नेट का, UGC नेट ज्योग्राफी का एग्जाम है, ये कोई यहाँ हरियाणा पुलिस ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हमें चलने हैं, तभी हमारा JRF हो सकता है, नहीं तो रट्टा मारने वाले लोग वहां बहुत होते हैं। कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है उनका नेट JRF क्लियर है, सीधी सी बात है। क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, कोई चपरासी लगने नहीं जा रहे, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते। तो उसी सीरीज में हम करेंगे, तो देखते हैं इनके मॉडल्स का क्या कहता है इनका मॉडल्स। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट्स, यह सिद्धांत गुरुत्व मॉडल का ही एक रूप है। यानी कि पीछे हमने ग्रेविटेशन ला जो किया था रेली का, उससे उसका बेस बना करके ये मॉडल्स इन्होंने दिया था जीके जीफ ने। विभिन्न समुदायों का पारस्परिक प्रवास इस प्रकार होता है कि संपूर्ण तंत्र न्यूनतम प्रयास करना पड़े। यानी कि सारे ये सोचते हैं कि प्रवास, सारे समुदाय कोई भी है, आप भी हैं, आप ये सोचेंगे कि आपको इनकी चीज़ें मिल जाएं, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, थोड़ा कम प्रयास करना पड़े। ऐसे ही आपका ये है कि बस थोड़ा सा पढ़ लें और नेट JRF हो जाए, ये सभी की होती है। ऐसा ऐसा ही सिद्धांत के अंदर ये कहते हैं। 1940 के अंदर जीके जीफ ने न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ईयर याद रखना कब किया था, 1940 में, सीधा पूछ लेते हैं नेट के एग्जाम के। और वस्तुओं और सूचनाओं जैसे क्वेश्चंस कैसे आएगा, मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन कैसे आता है, वहाँ क्या देगा कि स्टेटमेंट देगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से न्यूनतम प्रयास सिद्धांत से संबंधित कौन से कथन सही है, तो सबसे पहले लिख देगा कि 1940 में दिया था, ठीक है। नंबर दो है किसने दिया था, जीके जीफ ने दिया था, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, एक क्वेश्चन मैं आपको देख बना कर दूंगा, ऐसे क्वेश्चन क्रिएट होगा UGC अब क्वेश्चन जो क्रिएट कर रही है उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं जीके जीफ ने न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन वस्तुओं सूचनाओं व्यक्तियों के स्थानांतर की व्याख्या की। यानी कि वस्तुएं हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन है, चाहे व्यक्ति है, तीनों चीजें क्या है, माइग्रेट करती है। इस सिद्धांत के अनुसार दो स्थानों या नगरों के मध्य होने वाले प्रवास की मात्रा उनके मध्य दूरी से निर्धारित होती है। पिछले मॉडल में यही बात था कि यानी कि दो स्थानों के बीच की जो डिस्टेंस है वो माइग्रेशन को इफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है। लोअर हायर डिस्टेंस लो माइग्रेशन, लो डिस्टेंस हायर माइग्रेशन, ठीक है, ये नियम याद रखना बस। दोनों स्थानों के मध्य दूरी जितनी लंबी होगी उन लोगों का प्रवास के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, जबकि मनुष्य स्वाभाविक न्यूनतम प्रयास ही से ही किसी अभीष्ट पाना चाहता है। सीधी सी बात है इनके मॉडल्स में कि आपके व्यवहार में लगा लीजिएगा, आप सोचते हैं कि जैसे कि आप नौकरी लग जाएं, बस पास में ही नौकरी लग जाए, कहीं आसपास, मतलब ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ताकि शाम को घर वापस आ जाएं बस। कौन इतनी, आप चाहेंगे कि आपको 200 किलोमीटर दूर आप कहीं नौकरी लगे, 1000 किलोमीटर दूर नौकरी लगे, कोई नहीं चाहेगा। बस यही है, व्यवहार में अप्लाई करके देखिए बस मॉडल्स को, तभी अच्छे से समझ में आएगा, सीधा फंडा क्रैक है बस। ऐसा ही जो लड़कियों की शादी होती है तो वो ये सोचती हैं कि उनका जो शादी है
वो ज़्यादा दूर न हो, ताकि मायके जाने में ज़्यादा दिक्कत न हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी आ जा सकें। अगर जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उनका अगर ससुराल से उनका मायका अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो बहुत कम जा पाती हैं, मतलब साल में एक दो बार। अगर जो पास भी है तो जैसे किसी का 2-4 किलोमीटर पास के गांव में शादी हो जाती है, गांव में होता है कहीं आसपास के गांव में शादी कर दी तो रोज़ ही आना जाना रहता है, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये व्यवहार में आप अप्लाई करें तो अच्छे समझ में आता है। तो समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से आप। आगे कहते हैं कि मनुष्य से होता है किसी अभीष्ट को पाना चाहता है, अतः दूरी की लंबाई में वृद्धि के साथ प्रवास की मात्रा घटती जाती है, किंतु प्रवास की मात्रा में ह्रास केवल दूरी में वृद्धि का परिणाम नहीं होता, बल्कि इससे संबंधित स्थानों की जनसंख्या का आकार भी प्रभाव होता है। ये फिर से वही मॉडल्स मैंने कहा ना, पिछला मॉडल से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है इससे। उदाहरणतः दो बड़े नगरों के मध्य प्रवास की मात्रा किसी छोटे नगर और उसके ग्रामीण क्षेत्र के मध्य होने वाले प्रवास की तुलना में निश्चय ही अधिक होगी। सीधी सी बात है, यानी कि कोई बड़ा नगर है, ये बड़ा नगर है, ये यहाँ छोटा नगर है, और ये गांव अगर यहाँ से दूर है तो सीधी सी बात है कि यहाँ माइग्रेशन ज़्यादा होगा। यहाँ ये गांव दूर है तो यहाँ लोग माइग्रेशन करना नहीं चाहेंगे, या ये गांव है ये पास के छोटे नगर में माइग्रेशन करना चाहेंगे। ये 100 किलोमीटर दूर नगर है, ये 20 किलोमीटर दूर नगर है, ये नगर ए है, ये नगर बी है, और ये गाँव है आपका, विलेज है। तो सीधी सी बात है कि इस छोटे नगर में, यानी कि नज़दीक वाले में लोग माइग्रेशन यहाँ से अपने खाने पीने की चीज़ें हैं, स्कूल कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट इसी में चले जाएंगे, ज़्यादा कोई दूरी नहीं जाना चाहेगा। बस यही इसके अंदर मॉडल के अंदर कह रखा है। तो इनके जो पिछले मॉडल से थोड़ा सा ही बस बदलाव है, ज़्यादा खास बदलाव नहीं है, जो आपका ग्रेविटेशन मॉडल है उससे जैसा ही है। तो एम का मतलब होता है यानी कि एम का मतलब है दो समुदाय के मध्य प्रवास की मात्रा, P1 का मतलब है पहले समुदाय की जनसंख्या, P2 का मतलब है दूसरे समुदाय की जनसंख्या, D का मतलब है दोनों समुदाय के बीच की दूरी, और K का मतलब है स्थिर मूल्य। इनको आप याद रखें, सीधा नेट के एग्जाम में ये सूत्र या इनके मीनिंग पूछ देता है, तो आपको गलत नहीं करने हैं, इनको दिमाग में रखना है। तो इनके सिद्धांत का मेन मोटिव देखेंगे। जीके जिफ ने न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का परीक्षण अमेरिका नगरों पर करने से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि प्रवास की मात्रा दूरी में विपरीत संबंध होता है। सीधी सी बात है, यह तथ्य इस मॉडल्स को सार्थकता की पुष्टि करता है, किंतु कुछ विद्वानों इसकी आलोचना करते हुए अनुपयोगी दोषपूर्ण बताया। एलेक्स इक्लस ने इस जनसंख्या प्रवास की व्याख्या करने में असमर्थ, यानी कि इनका सिद्धांत का प्रतिरोध किसने किया, विरोध किसने किया, क्वेश्चन पूछ सकता है। जो आपका सिद्धांत है जीके जिफ का, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के अवहेलना यानी कि प्रतिरोध विरोध किसने जताया, तो एलेक्स इकल्स ने दर्शाया। क्या कहा इन्होंने, गुरुत्व और न्यूनतम प्रयास मॉडल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। इन्होंने क्या बताया कि पहले हमने खुद भी आप देख रहे हैं, इन्होंने क्या बताया, खुद आप देख रहे हैं मॉडल का, दोनों का अध्ययन कर लिया हमने, पहले ग्रेविटेशन मॉडल हमने देखा, अब ये न्यूनतम प्रयास मॉडल देखा, तो देखते हैं कि दोनों में कोई खास अंतर है नहीं, तो फिर दोनों में ही समान दोष हैं। तो इस प्रकार इनका मॉडल्स में कोई मॉडिफाई ज़्यादा नहीं किया, मतलब यूं का जूं पेश कर दिया। तो एंडरसन के मतानुसार प्रवास की मात्रा दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्र गति से कम होती जाती है, अतः दूरी की घात 1 से अधिक तो 2 किंतु 2 से कम होनी चाहिए। ये थोड़ा सा अलग है, एंडरसन के बारे में आगे देखें तो कहीं ना कहीं इनका मॉडल पिछले मॉडल से ही है, लेकिन कुछ हद तक, हाँ कुछ हद तक लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मॉडल बेवकूफ़ी में दे दिया, लासी पी के उन्होंने मॉडल दे दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने मॉडल दिया कुछ सोच समझ के दिया, यानी कि उस टाइम की कंडीशन ऐसी थी। देख रहे ना आप, अमेरिका के नगरों पर दिया था, पूछा जा सकता है, तो अमेरिका के अंदर था। देख आप अगर जो मॉडल्स कौन देते हैं कि जो प्रेजेंट की जो कंडीशन है, जैसे कि आप भी कोई मॉडल दे सकते हैं, अब वो कंडीशन है, हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में ना हो, और एक मॉडल्स जरूरी नहीं है कि वो सभी जगह लागू हो, हर जगह अप्लाई कर सके उसे, वो फिट बैठे, ये जरूरी नहीं है। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति सही नहीं होता, वो कुछ नज़रों में कुछ मायने में वो सही होता है, लेकिन कुछ मायने में वो गलत होता है, इसी प्रकार कोई भी जो मॉडल दिया जाता है वो हर जगह फिट बैठे ये जरूरी नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग मॉडल्स की जो इंपोर्टेंस है वो बदल जाती है। तो इसीलिए इनका मॉडल हाँ कुछ हद तक अप्लाईबल है, कुछ हद तक नहीं है। ठीक है, तो आपने मॉडल को समझा। सीधी सी बात है कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा माइग्रेशन उतना कम,
जनसंख्या जितनी नगर की ज़्यादा, माइग्रेशन उतना ज़्यादा, जनसंख्या अगर किसी नगर की कम है तो माइग्रेशन कम होगा, ये पिछला मॉडल के, तो ये इसका मेन निचोड़ था। तो आपने समझा, आगे के कंटिन्यू सीरीज में हम मध्यवर्ती अवसर मॉडल को हम बात करेंगे, जो स्टोफर ने दिया था, ठीक है, तो उसको हम जिक्र करेंगे। तो कंटिन्यू आप चैनल के साथ बने रहिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और UGC NET की तैयारी करते रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।